CareerKul, the educational Gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services. Good morning everyone and welcome to CareerKul, the educational Gurukul. We are a small firm and we try to tell you how many careers you can take. To determine this, we do a personality test, an aptitude test and an interest test. और उसके basis पे हम बताते हैं कि कौन से careers आपके लिए सही रहेंगे और किन careers में आपको कुछ problems आ सकती है. We also do videos about reviews of colleges that when it is right to choose which college. Today we are talking about Manipal Institute of Technology. It's a very old college, it's a very good college. But when I'm making this video, I try to address mostly the students of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, mostly Hindi-speaking states. And जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो जो पहला perception ये आता है मणिपाल को लेके कि मणिपाल में admission is very easy, कि आप बस जाइए और admission हो जाएगा. So this is not entirely true because आपको एक entrance exam देना पड़ेगा. Comparatively थोड़ा सा easy होता है. Secondly कि इसमें जो fees है वो ज़्यादा है. तो उसकी भी हम बात करेंगे कि फीस थोड़ी ज़्यादा है, कब ये फीस देना आपके लिए सही हो सकता है. कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनसे मणिपाल का एक तरह से डायरेक्ट कंपटीशन है कि आप चाहे एक मणिपाल में पढ़ें चाहे एक कॉलेज में पढ़ें, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो आपकी प्लेसमेंट होगी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी. ठीक है, ऐसा हो सकता है. मणिपाल के साथ जो है एक PSG कॉलेज. सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोकेशन होता है आपका कॉलेज का वो हमेशा ज़्यादा इट्स द डिट्रीमेंटल फैक्टर कि आपकी जॉब लगेगी नहीं आफ्टर IITs, NITs एंड IIITs. और साउथ के कॉलेजेस जो बैंगलोर के पास हैं, चेन्नई के पास हैं, हैदराबाद के पास हैं या फिर जो पुणे के पास हैं, इनमें चांस ज़्यादा है कि आपकी जॉब लग जाएगी. इसीलिए मणिपाल का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन साउथ के कुछ कॉलेजेस से है जैसे कि PSG, सत्यबामा, कॉमेट के जितने भी कॉलेजेस हैं बैंगलोर के पास, इन सब में से ये पॉसिबिलिटी हो सकता है दोनों जगह आपकी सिमिलर जो है पैकेज लग जाए. बट इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसमेंट यूपी के कॉलेजेस से थोड़ा ज़्यादा ही होता है बिकॉज ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप ये एक क्राइटेरिया है. दूसरा है कुछ कॉलेजेस जैसे कि जो नेशनल लेवल पे रैंक करते हैं जैसे कि SRM हो गया या फिर VIT हो गया. बिट्स में लोअर कट ऑफ्स जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आपको उसमें लग रहा है तो अगर आपको इधर CS मिल रहा है देन मे बी यू माइट थिंक अबाउट इट, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग या फिर इस तरह की जो ब्रांचेज हैं जिनमें जॉब्स और कम हैं, यू हैव टू बी प्रिटी सर्टेन कि मुझे ये क्यों करना है. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड तब आप करिए एंड यू शुड ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ रिसर्च. तो बिट्स के लोअर कट ऑफ में भी एक बार आप सोच सकते हैं. बाकी अगर आप MIT में पढ़ रहे हैं या चाह रहे हैं कि हम पढ़ें BTech तो भी मणिपाल इज अ कॉलेज विच यू कैन कंसिडर. अब हम लोग आते हैं प्लेसमेंट पे. ये जो प्लेसमेंट है इसका जो मैंने कंपैरिजन किया है ये NIRF रैंकिंग के बेसिस पे NIRF ने इनको मार्क्स दिए हैं कि प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन इनके स्टूडेंट्स की कैसी है ऑन द डेटा कलेक्टेड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स. NIRF रैंकिंग में यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स जाते हैं इन डिटरमाइनिंग की कॉलेज की रैंक क्या रहेगी. तो आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट विद अदर कॉलेजेस व्हिच वर देयर इन द रैंक्स. पहला है BITS. BITS को प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज के लिए 32 आउट ऑफ 40 मिले, दैट इज वेरी गुड. उसके बाद अगर आप थापड़ को देखें तो इट इज नॉट वेरी फार बिहाइंड. नाउ दीज टू इज बिकॉज ऑफ रेपुटेशन नॉट बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द कॉलेज. बट अगर आप इसके आगे आए तो वेल्लोर और मणिपाल ऑलमोस्ट सिमिलर पेडेस्टल पे हैं रिगार्डिंग प्लेसमेंट एंड द हायर स्टडीज़ कि इनके बच्चे IIMs में गए या MS करने बाहर गए, किस तरह के कॉलेज में गए, उन सबके मार्क्स हैं. वेल्लोर को मेरा 25 आउट ऑफ 40, दैट इज़ 5 पॉइंट्स बिहाइंड थापड़, दैट इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट. बट एक है कि थापड़ में बच्चे इस वक्त बढ़ रहे हैं, पहले यहाँ बच्चे थोड़े कम होते थे, स्टूडेंट्स वर लेस. वेल्लोर में हमेशा से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे, 4-5,000 स्टूडेंट होते थे एक साल में और उनमें से फिर 2,000-3,000 लोगों की जॉब लगती थी. और मणिपाल में भी अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज क्वाइट हाई एंड ये भी थोड़ा सा लैग कर रहा है वेल्लोर से एंड BITS से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स लैग कर रहा है. सो द डिफरेंस बिटवीन BITS and Vellore is similar to maybe BITS and IIT Delhi या IIT Bombay, क्योंकि इन लोगों को 40 मिले हैं out of 40 in placement and higher studies. तो ये difference almost इसके बराबर है और थोड़ा पीछे मणिपाल है. अब ये जो placement के marks हैं ये इनके comparatively इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि you have an easy time choosing between them. But इसमें एक और बात है कि इनका placement कैसा है, अच्छा है कि बुरा है. तो ये जो मार्क्स हैं कोई भी बुरे नहीं हैं. दैट मीन्स दे आर गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स. एवरेज सैलरीज जो वेलोर की हैं तकरीबन 5 लाख की है और तकरीबन मणिपाल की 5.2 या 5.5 लाख के बीच में रेंज करती है एवरेज सैलरी, एटलीस्ट सीएस की इतनी रेंज करती है. इनके रीजंस क्या हैं सबसे बड़े, इन दोनों के रीजंस क्या हैं? सबसे है पहला है डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर. अगर आप डिस्टेंस देखेंगे वेलोर का डिस्टेंस केवल 213 है, दैट कैन बी ट्रैवल्ड इन 4 आवर्स. आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको इंटरव्यू देने जाना है. दिस इज़ वेरी इजी जस्ट टू गो एंड एक्सप्लोर कि क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर दिस इज़ वेरी क्रूशियल एंड फॉर द कंपनीज ऑल्सो. फॉर देम इट इज़ ईजियर टू ट्रैवल टू VIT टू गेट प्लेसमेंट्स और हायरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द कैंपस ऑफ वेलोर. ये वेल्लोर से VIT वेल्लोर से. मणिपाल का 803 किलोमीटर्स डिस्टेंस है बैंगलोर से, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ओवरनाइट से थोड़ा सा ज़्यादा का ट्रैवल है. बट अगर आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू है आज आप जा सकते हैं, आज कोशिश कर सकते हैं. एंड इट वुडंट बी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. आप थोड़े दिन जाके रह के एक्सप्लोर कर सकते हैं. दीज आर सम एस्पेक्ट जो आपको हेल्प करेंगे इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दीज कॉलेजेस एंड यू आर लुकिंग फॉर मणिपाल और वेल्लोर. उनमें से के बाद भी आपके पास ये ऑप्शंस रहेंगे, आप इनको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये कोयम्बतूर में है, ये चेन्नई में है और ये बैंगलोर के काफ़ी आसपास है. लास्ट थिंग कि इनका जो प्लेसमेंट अच्छा है मणिपाल या वेलोर का कंपेयर टू अदर कॉलेजेस विच आर प्राइवेट इन उत्तर प्रदेश और राजस्थान, क्यों अच्छा है? क्योंकि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. अगर आप मणिपाल में भी ये बोलें कि नहीं, द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग आर स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग टू अ फैमिली जिनके फादर में भी IAS हैं या डॉक्टर हैं या फिर CA हैं, मतलब दे आर अर्निंग वेल, ऐसे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं. और जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो कम्युनिकेशन स्किल का जो रोल है वो एटलीस्ट 60% है, 60-40. अगर आपको ठीक ठाक भी आता होगा अपना सब्जेक्ट और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, देयर इज अ हायर चांस ऑफ प्लेसमेंट रैदर देन कि आपको बहुत अच्छा अपना सब्जेक्ट तो आता हो बट आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी ना हो. और ये फैक्टर दोनों में काम करता है, इसलिए यहाँ से प्लेसमेंट होना थोड़ा और आसान हो जाता है. सो इसलिए ये फैक्टर्स हैं जो मणिपाल को एक अच्छा कॉलेज बनाते हैं. एंड नाउ अच्छा इज कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस. नाउ लेट अस लुक इनटू व्हाट इज द प्लेसमेंट डिटेल ऑफ मणिपाल एंड उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कैसे हैं उनके. CareerKul, the educational Gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services.